साउंड बॉक्स, दीदी बात कर रहा हूँ साउंड बॉक्स, दीदी बात कर रही है, तो बोल सकते बेटे उसको अपन क्या साउंड बॉक्स, या बेटा क्या बोल सकते बोलो बात कर, वॉइस बॉक्स क्या बोल सकते हैं, वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स बोलो, बोले बात करें साउंड बॉक्स बोलो बेटा बात करें, डायरेक्ट बोलो, ये अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटू, बात कर रहे हैं ह्यूमन की बात कर रहे हैं, किसके अंदर बात कर रहे हैं, ह्यूमन के अंदर बात कर रहे हैं, समझ में आ रही है, मतलब बुरी बात करें अच्छा क्या है, और दूसरे मेंबर्स में नहीं होता है, सब में होता है, आपने गाय को देखा होगा बोलते हुए, भैंस को देखा होगा बुरी बात, हर एक मेंबर्स में होता है, इसका मतलब मेंबर्स के अंदर बुरी बात करने मिलता है, क्या मिलता है बुरी बात का लैरिंग्स मिलता है, मतलब साउंड बॉक्स मिलता है, बुरी बात करें ये केवल ह्यूमन की बात नहीं कर, हमारी पूरी बुरी बात करें मेंबर्स स्पीसीज की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर यही बात अपन दोस्त कहाँ पे करें वर्ड्स में करते हैं, तो पूरे बात करें क्योंकि वर्ड्स की सारी प्रॉपर्टी अधिकांश मेंबर्स जैसे होती है, जैसे हमारा हार्ट फोर चैम्बर है, तो पूरे बात करें हमारे बर्ड्स का भी हार्ट क्या होता है फोर चैम्बर होता है, समझ पा रहे, अगर हमारे अंदर डायफ्राम है तो पूरे बात में बर्ड्स के अंदर भी क्या होता है बेटा डायफ्राम, समझ पा रहे होता है कि नहीं होता है, पूरे बात करें नहीं होता है, ठीक है ना, बर्ड्स के अंदर डायफ्राम नहीं होता है, डायफ्राम केवल इसके अंदर होता है बात करें मेंबर्स के अंदर, और दूसरा बेटा बात करें क्रोकोडाइल किसके अंदर मिलेगा आपको, क्रोकोडाइल के अंदर मिल जाएगा, ठीक है ये याद रखना, तो दूसरा बेटा बात करें बर्ड्स, बर्ड्स बोलो दीदी बात करें, या क्या बोलो बेटा बात करें एबीज, क्या बोलो बोलो बात करें एबीज, तो एबीज बोले बात करें बर्ड्स के अंदर जो साउंड बॉक्स होता है, जो वॉइस बॉक्स बोले बात करें होता है, उसका नाम होता है बेटा बात करें साइलेंस, क्या होता है बोले बात करें आ रहे की, तो ये साइलेंस से बोले बात करें हमारा क्या है लैरिंग्स है, हमें पढ़ना क्या बेटो बात करें लैरिंग्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, लैरिंग्स की बात करें किसका बना होता है, लैरिंग्स की अगर बात करें भैया तो ये चार टाइप की कार्टिलेज का बना होता है, कितने टाइप का बना होता है बेटा बात करें, तो हम बोल सकते बेटे बात करें लैरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ बेटा बात करें बेटा वो फोर टाइप ऑफ कार्टिलेज, जो फर्स्ट कार्टिलेज बेटे बात करें उसको हम बोलते हैं थायरॉइड, सेकंड को बेटा बोलते हैं क्रिकॉइड, थर्ड को बोलते हैं एरिटिनॉइड, और फोर्थ को बोलते हैं बोले बात करें कार्टिलेज ऑफ सेंट्रोलिनी, क्या बोलते हैं बेटा बात करें, अगर इनका स्ट्रक्चर देखा जाए बोले बात करें इस तरीके से कुछ पिक्चर आएगा हमारे पास, देखो आपको ये कहाँ दिखा रहा है बेटा बात करें, ये आपके दीदी गले में, गले में आपको पता होता है कि आगे की तरफ एक डक्ट होती है जिसका नाम क्या है मैडम ट्रेकिया, क्या नाम है ट्रेकिया, ट्रेकिया की बात करें ओपनिंग को अपन क्या बोलते हैं ग्लॉटिस, क्या बोलते हैं, इसके ऊपर पूरी बात करें कार्टिलेज का जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज की कवरिंग हो जिसका नाम है एपिग्लॉटिस, जो पूरी बात करें खाना खाते समय खाना निगलते समय क्या करता है ग्लॉटिस को ढक लेता है ताकि खाना कहाँ जा पाए बेटी बात करें एयर पाइप में, साउंड पूरी बात करें पाइप में न जा पाए, क्लियर आ रहा है, क्योंकि उनको पता है ट्रेकिया की जस्ट दीदी बात का टॉप पर है कौन साउंड बॉक्स, और दीदी बात का साउंड बॉक्स में फंस जाएगा, क्लियर है क्या, खाने के दाने, तो फिर बुरी बात का उनको खांसी होती है, क्या होती है बेटे बात का कफिंग होती है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आपसे क्या बोले ट्रेकिया की ओपनिंग कहलाती है ग्लॉटस, और ग्लॉटस की दीदी कवरिंग कहलाती है एपिग्लॉटस, आ रहा क्लियर है, और ये जो एपिग्लॉटस होती है बेटे बात करी कौन सी कार्टिलेज है, ये उसको बोलते हैं अपन इलास्टिक कार्टिलेज, क्या बोलते हैं, यहाँ पढ़ेंगे दीदी बात का इलास्टिक कार्टिलेज हाइलाइन कार्टिलेज, समझ पा रहे हैं बात करें, तो अगर आपको बताया जाए सबसे पहले बुरी बात करें देखो ये वाला, अब ऐसा माना हमने बेटे बात करें ये बोले पूरे का पूरा ट्रैक किया ट्रैक की दीदी बात की जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये जस्ट ये मानो बेटा ये साउंड बॉक्स, क्या बोले बात करें इस साउंड बॉक्स में चार टाइप की कार्टिलेज होती है, कितने टाइप की फोर टाइप कार्टिलेज बुरी बात करें फॉर्म साउंड बॉक्स, ये चार टाइप की कार्टिलेज कौन सी होती है बेटी बात करें सबसे पहले होती है थायरॉइड, क्या होती है थायरॉइड ग्लैंड भी है और थायरॉइड बुरी बात करें कार्टिलेज है, इसके जस्ट बुरे बात करें अंदर होती बेटे बात करें क्रिकोइड, क्या होती है क्लियर है क्रिकोइड के लिए अंदर होती है एरिटिनॉइड, क्या होती है एरिटिनॉइड, और उसके अंदर भी होती है कार्टिलेज ऑफ सेंट्रोलिनी, तो अगर अपन दीदी पिक्चर देखें हमारे पास तो आप किस तरीके से पिक्चर देखेगा, ये मैं कैसा पिक्चर बना रहा हूँ अपना दिखा रहा हूँ, ठीक है ये वाला पोर्शन मेरा कौन सा बेटा बात करें वेंट्रल, ये गुरु पीछे वाला कौन सा है डॉर्सल, और जस्ट बगल वाला कौन सा बेटा बात करें लैटरल, क्लियर है, तो आपकी जो पहली कार्टिलेज होती है बेटू बात करें ये सी शेप की होती है, ऐसे सी शेप मतलब बुरे बात करें वेंट्रल और ऐसी जमा होती है यहाँ पर अरेंज होती है, तो अगर इसको देखें तो पोजिशन क्या है इसकी बुरे बात करें वेंट्रल और लैटरल, डॉर्सल ये क्या होती है एब्सेंट होती है, अगर अपन देखें कैसा बोल सकते हैं सी शेप है कि नहीं, सी शेप में बुरे बात करें कैसा पोजीशन आ रहा है इसका बेटा बात करें वेंट्रल आ रहा है और बुरे बात करें लैटरल जा रहा है, डॉर्सल क्या होती है एब्सेंट होती है, इसकी बुरी बात करें अंदर मिलेगी आपको रिंग से, जैसी बुरी बात करें रिंग पहनते कि पहनते गोल छल्ला, ठीक है दीदी बात करें जो गोल छल्ला पहनते बुरी बात करें एग्जैक्ट बुरी बात किसको क्या बोलते हैं बिट्टू बात करें बताओ, ये वाला जो दीदी का छल्ला एग्जैक्ट ठीक है ना ऐसी जिसको अपन बेटे बोलते हैं सिग्नेट रिंग से, समझ पा रहे क्या बोलते हैं सिग्नेट रिंग से, बुरी बात करें तो जस्ट बेटे बात करें ये दिख रही गुड़िया ऐसी, ये कौन सी है थायरॉइड, थायरॉइड दीदी बात के अंदर कौन सी होती है क्रिकोइड, क्या होती है गुड़िया क्रिकोइड, क्लियर है, और क्रिकोइड के लिए अंदर से ही जाता है ग्लॉटस, कौन जाता है बात करें तो यहीं से गुड़िया एयर जाती है, नहीं समझ में आ रहा आपको कहा जाती है एयर जाती है, आ रहा कि नहीं आ रहा, तो पहली गुड़िया बात करें थायरॉइड, थायरॉइड के अंदर होती है क्रिकोइड, और क्रिकोइड से गुड़िया बात करने करते हैं एरिटिनॉइड, आ रहा कि नहीं आ रहा, तो गुड़िया बात करें सिग्नेट रिंग से मतलब गुड़िया बात करें जो ये छल्ला कौन सा है जो गुड़िया अपन किसी को शादी में पहनाते नहीं पहनाते, अरे दीदी बात एक दूसरे को पहनाती है पहनाते लड़के लड़की वैसी गुड़िया बात के छल्ला अंगूठी नहीं छल्ले जैसा एक्सैक्ट, थैंक यू बेटू, तो ये गुड़िया बात करके अपन देखें हमारे पास किस तरीके से पोजीशन आएगी ऐसी आएगी,
ठीक है ठीक है, ज्यादा बड़ी बन जाएगी नहीं, छोटी बनाने की कोशिश करते हैं। ये बुरी बात आपको दिखती होगी, दिख रही है बेटा? बात करें इस तरीके से, ये ठीक है, ठीक है। ये बोले बात करें कौन से हमारे पास काट लीजिए बेटा, बात करें ये गोलू बात करें हमारे पास जल्दी बोलो, थायराइड कौन सी बोले बात करें, ये थायराइड काट लीजिए, कौन सी काट लीजिए बेटा बात करें, थायराइड काट लीजिए, ठीक है काट लीजिए। बोलो तो रफ होती है, कैसे होती है बेटा बात करें, रफ होती है। बात करें पहली कार्ड जिसका नाम क्या बेटा बात करें, थायराइड। थायराइड कार्ड दीजिए, ब्लू बात की किसका भी कार्ड दीजिए बेटे, थायराइड कार्ड दीजिए, कैसी कार्ड दीजिए बेटू, थायराइड। यहाँ चलिए आपको पढ़ाई बेटा बात करें कार्ड दीजिए टाइप में थायराइड कार्ड दीजिए, ठीक है। बात करें ये कैसे होती है बेटा बात करें, दो तरीके से होती है। अब देखिए बुढ़े बात करिए मेरे गर्दन में इस तरीके से, मतलब बुढ़े बात करें डोर्सली क्या है एब्सेंट है और वेंट्रली बेटा बात करें आपको दिखा दीजिए, बात करें चौड़ी दिख रही है, दिख रही दिख रही बेटा बात करें, और लेटरली आपको क्या दिख रही है, नैरो दिख रही दिख रही दिख रही, ये सकड़ी होती जा रही है। तो यहाँ पे बेटू बात करिए चौड़ी चौड़ी थी नहीं दिख रही है, दिख रही है दिख रही है, और बेटू बात करें यहाँ पे क्या होती है सकड़ी होती जा रही है, मतलब बहुत सकती बेटू बात करें वेंट्रली कैसी है बेटा बात करें ब्रॉड आ रहे नहीं आ रहे, और बुढ़े बात करें हमारे पास लेटरली कैसा बेटा बात करें, लेटरली लेटरली मतलब पार्श्व रूप से, पार्श्व रूप से कैसे दीदी बात करें नैरो है, कैसा बेटू बात करें नैरो, तो बुढ़े बात करें लेटरली तो नैरो है वेंट्रली ब्रॉड है, और दीदी बात करें डोर्सली क्या होती है एब्सेंट होते हैं, इसलिए उसको लिखे नहीं रहा, ठीक है बेटा बात करें। ये कैसे होती है बुढ़े बात करें सी से, कैसा है सी से, सी से ठीक है। ये बुढ़े बात करें दूसरे इसके अंदर मिलती बुढ़े बात करें जिसका नाम क्या है, इसका नाम बुढ़े बात करें हमारे पास त्रिकोण, क्या बोलूं बात करें त्रिकोण, कैसे दिखाई बेटा बात करें आपको रिंग से दिखाई नहीं दिखाई दीदी बात करें, तो रिंग से ये बोलूं बात करें दूसरी कौन सी पढ़ रहे बेटा बात करें त्रिकोण, ये बोले बात करें कैसे दिख रही है आपको रिंग से, ये रिंग से है। इससे बेटा बात करें कौन सी निकलती है, दो हमारे पास निकलती है बात करें जिनका नाम है हमारे पास क्या एरिटिनोइड, तो ये जो दूसरी टाइप की पूरे बात किसको मैंने क्या नाम दिया, इसको नाम दिया क्रिकोइड, क्या नाम दिया क्रिकोइड कार्ड, ये भी बुढ़े बात करें हाईलाइन है, कैसे बेटू बात करें हाईलाइन कार्डिस्टेट टाइप, और बुढ़े बात की दूसरी प्रॉपर्टी इसकी बेटा ये कि बुढ़े बात करके कैसे होती है रिंग से बोलती है, जिसको हम बुढ़े बोलते हैं सिग्नेट रिंग से, क्या बोलते हैं बेटू बात करें इसको बोलते हैं सिग्नेट, में जानते हो शादी के छल्ले की तरह समझ पाए हो सिग्नेट रिंग से। थर्ड हमारे पास कौन सी होती है जरा बताओ बुढ़े बात करें, थर्ड कौन सी है
ये तीसरी टाइप की बात करें इनको बोलो अपन क्या बोलते बेटा बात करें इनको अपन बोलते हैं थर्ड आई की कार्टिलेज। नाम क्या है इसका? क्या है इसका नाम? एरिटिनोइड। क्या है इसका नाम? एरिटिनोइड। क्या बेटा बात करें? एरिटिनोइड कार्टिलेज। कैसा दिख रहा है आपको दोस्त? ये पिरामिड जैसा। कैसा दिख रहा है? तो बोलो बात करें हमारे पास ये भी हाईलाइन है बेटा बात करें हाईलाइन हाईलाइन कार्टिलेज। जो गुरु कैसा होता है बेटा बात करें? पिरामिड से पिरामिडल से। ठीक है बेटा बात करें। नेक्स्ट गुरु बात करें इनके ऊपर कौन सी होती है बेटा बात करें? एक आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी गुरु बात करें जो किसके ऊपर मिलती है बेटा बात करें? एरिथ्रोइड के ऊपर। इन गुरु बात करें जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको बोलते हैं कार्टिलेज ऑफ सेंट्रोरनी। क्या बोलते हैं दोस्त? कार्टिलेज ऑफ सेंट्रोरनी। तो ये फोर्थ टाइप की कार्टिलेज होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ। कार्टिलेज को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्त? ओपास्थी। क्या बोलते हैं? तो कार्टिलेज और गुड़े बात करें क्या सेंटोरिनी। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कार्टिलेज ऑफ गुड़े बात करें सेंटोरिनी होती है चार। इनके बाद गुड़े बात करें हमारे पास क्या होता है? एरिथ्रोइड। और गुड़े बात करें कहां पे? थायरॉइड कार्टिलेज बीच में। क्या मिलता है दोस्त आपको? वोकल कॉर्ड। क्या मिलते हैं वोकल कॉर्ड? और ये वोकल कॉर्ड बेटा बात करें दो टाइप के होते हैं, बोलते हैं स्वर तंतु। क्या बोलते हैं? स्वर तंतु। तो दो दीदी बात करें वोकल कॉर्ड होते हैं। ये किन किन के बीच में प्रेजेंट होते हैं बात करें? ये प्रेजेंट होते हैं बेटा बात करें हमारे पास एरिथ्रोइड और बेटा बात करें हमारे पास किडबर्ड के बीच में। किसको? ट्रू वोकल कॉर्ड। तो बुरे बात करेंगे दो फंक्शन, एक होता है बेटू बात करें प्रोटेक्शन ऑफ ट्रू वोकल कॉर्ड, दूसरा होता है बेटू बात करें प्रोवाइड मॉइस्चर। बुरे बात करें टू ट्रू वोकल कॉर्ड। ट्रू वोकल कॉर्ड को ये क्या करते हैं? मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, मतलब नमी प्रोवाइड करते हैं ताकि बुरे बात करें सूखे ना। आपने देखा होगा जब लंबी समय तक आप बोलते रहते हैं बिना पानी पिए तो बुरे बात कैसा लगता है? जैसे गली में दीदी फांसे लग रही हो, मतलब कुछ दीदी बात की जैसे कुछ अड़ रहा हो, नहीं समझ आ रहा है? खैर आप इतना बोलते ही क्या हो, जैसे बुरे बात की बार बार मुझे फील होता रहता है, लंबे समय तक बोलना पड़ता है। तो बुरे बात के बाद ये और आपने कभी देखा होगा एक बार हम लंबे समय तक बोलते रहते हैं गाते रहते हैं गाना गाना, समझ पा रहा? शादी आदि में गाना गाने का काम तो तुम्हारा होती रहता होगा, टेंडर वेंडर लेते हो नहीं लेते हो है कि नहीं? गरीब गरीब बात करा, अरे पैसा एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स है टेंडर। और क्या, इस शादी का गाना हम गाएंगे 500 रुपये में पूरी रात गाएंगे दीदी बात कर, ठीक है? तो ये बुरे बात का दो जोड़ी क्या मिलते हैं आपको बेटा बात करें? वोकल कॉर्ड। क्या मिलते हैं मैडम? दीदी बात करें पता है रियल में होते कैसे? ये बेटा बात कर मैंने दिखाने की कोशिश की 3D पिक्चर को 2D में होता। बुरे बात करें ये कहानी ऐसे है, कैसे बताएं गुरु बात करें बताओ, कैसे बताओगे आप? इस तरीके से बात करें कहानी है। एक दीदी बात करें पहला हमारे पास दिखा आपको, ये क्या है बुढ़ा? तो बुरी बात करें थायरॉयड। थायरॉइड कैसे होती है? सी से, मतलब बुरे बात करें कहाँ प्रेजेंट होती है? वेंट्रल में। कैसे होती है बुरे बात करें? चौड़ी दिख रही है, दिख रही है। दूसरे बुरे बात करें आपको लेटर में दिख रही होगी सगड़ी, दिख रही है कि दिख रही है? नैरो। तो ये थायरॉइड। इसके अंदर बुरे बात करें रिंग से कौन है बेटू बात करें? क्रिकॉइड। क्रिकॉइड के जरिए अंदर ही कौन है बुरे बात करें बताओ? ग्लॉटस। कौन है? तो इसके अंदर से इसी बात का सांस अंदर जाती है, समझ में आ रही है? इसके ऊपर बेटे कवरिंग होती है ग्लॉटस। क्या होती है बुरे बात करें? और दीदी बात करें ग्लॉटस के अंदर ही बुरे बात करें दो जोड़ी, इस तरीके से बुरे बात करें क्या मिलते हैं आपको? वोकल कॉर्ड। दो वोकल कॉर्ड मिलते हैं, समझ में बेटे बात करें? एक गोलू बात करें अंदर और एक मिलती है आपको बाहर। अगर मैं आपको दिखाऊं छोटी छोटी दीदी बात करें, पैंतोने की बात करते हैं
इस तरीके से दिखते गुड़े बात करें, जैसे ये बहुत छोटा पेन मान दो आप, देख रहे आपको ये पूरे गुड़े बात करें हमारे पास क्रिकॉइड है, मतलब ये क्या है बेटा बात करें, ये ग्लॉटस है, तो पूरे ग्लॉटस के जस्ट एक पेन गुड़े बात करें और ये दूसरा वोकल कॉर्ड, देख रहे आपको ये दो वोकल कॉर्ड ऐसे दिखते हैं, मतलब इस तरीके से होते हैं जहाँ से साउंड निकलती है, क्लियर हो रहा है, इनके जस्ट इनको गुड़े पेन बोलते ट्रू वोकल कॉर्ड, इनके जस्ट बाहर होते बेटा बात करें कौन कौन, फर्स्ट वोकल कॉर्ड, दो पेन लेके आओ जल्दी फटाफट फटाफट गुड़े बात करें, इसके बाहर पेन रखो आप, इसके बाहर एक इस तरफ गुरु बात करें, एक इस तरफ, अब समझ में आ रहा है बेटा बात करें, तो ट्रू वोकल कॉर्ड की बात करें बाहर कौन होते हैं, फॉल्स वोकल कॉर्ड, फॉल्स वोकल कॉर्ड का काम क्या होता है, इनका प्रोटेक्शन करना, दूसरा गुरु बात करें इनको मॉइस्चर प्रोवाइड करना ताकि गुरु सूख ना पाए, मतलब क्या रहे गीले रहे, समझ में रखो, ये ट्रू वोकल कॉर्ड गुरु बात में जो मैंने पकड़ रखे और जो भैया ने पकड़ रखी वो कौन से बेटी बात करें, फॉल्स वोकल कॉर्ड, ये किसके बने होते मैडम, ये बने होते बेटा बात करें फाइब्रस, गुरु बात करें कनेक्टिव टिश्यू के, किसके बने होते हैं, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, किसके बने होते हैं, येलो फाइबर्स का मतलब जानते हो, पीले तंतुमय संयोजी ऊतक, क्या बोलोगे, क्लियर है बेटा बात करें, अब जब गुड़े बात करें आपने देखा होगा छोटे में, ठीक है दीदी बात करें, कोई इलास्टिक पहनता है क्या गुड़े बात करें, खैर दीदी रबड़ उठाओ, ठीक है ना, अगर दीदी बात करें इसको मैं तोड़ दूं, आवाज आ रही क्या, साउंड आ रहा है, और इसका मतलब गुड़े बात करें पता है ये फाइबर है, जब इनमें गुड़े बात कर पता है हवा का प्रेशर गुड़े बाहर निकलता है ना, आपने देखा होगा अगर मैं अंदर सांस लेता हूँ साउंड नहीं आ सकता है, जब दीदी बात कर जोर से सांस बाहर निकालते हो ना तो गुड़े बात कर बोलते हो, मतलब साउंड बाहर निकलता है, जब मैं बोलता हूँ ना मुंह तो दीदी बात करेंगे हाथ लगा के देखो आप क्या कर रहे हो, दीदी बात करें जैसे मैंने बोला वैसे साउंड बाहर निकला प्रेशर के साथ, ये साउंड कैसे बाहर आता है, साउंड दीदी बात करें गैस जब बाहर निकलती है, दीदी बात करें एयर जब बाहर आती है ना तो गुड़े बात करें वोकल कॉर्ड से टकराती है, तो वोकल कॉर्ड दीदी ऊपर उठते फिर नीचे गिरते, समझ पा रहे, तो साउंड क्रिएट होती है, मतलब साउंड आती है, मैंने ये नहीं बोला कि वर्ड्स आते हैं, साउंड आते हैं, लेकिन साउंड को गुड़े बात करें पता है वर्ड्स में कौन प्रोट बात करें पता सजूता है, कौन प्रोट है दीदी बात करें, ब्रोकास एरिया, कौन करता है गुड़े ब्रोकास एरिया, ब्रोकास एरिया की दीदी कॉन्टेक्ट में टंग रहती है, समझ पा रहे, तो टंग वैसे ही मूवमेंट करती गुड़े बात करें जैसे उनको वर्ड्स को तोड़ना होता है, पापा बोल रहे हैं तो अलग दीदी संग मतलब जो टंग अलग बेटे बात करें मोशन वाइब्रेट करेगी, अगर गुड़े बात करें मैं आपको बुला रहा हूँ आपको बुला रहा हूँ तो टंग का दीदी एक अलग समझ पा रहे मूवमेंट होता है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो तो अलग बढ़ा है दीदी बात करें तो टंग अलग मूवमेंट कर रही है, इसका मतलब साउंड को दीदी बात करें शब्दों में प्रोने का काम कौन कर रहा है, ब्रोकास एरिया, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चलो मैंने कुछ कहा है अभी, मैंने कहा कि शब्दों में प्रोने का काम किसने किया बताओ, साउंड को कहाँ प्रेजेंट होता है ये, मैंने कहा ब्रोकास एरिया कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन में होता है, कहाँ होता है गुड़े बात करें, ब्रेन में होता है, समझ पा रहे, आपने देखा गुड़े बात के जानवर भी चिल्लाते, भैंस को भी देखा होगा आवाज करते हुए बहन करती रहती है, गाय को भी देखा होगा गुड़े बात करें आवाज करते हुए, शेर भी दहाड़ता है गुड़े बात करें, साउंड तो सब पर निकल रहा है, मतलब एग्जैक्ट गुड़े बात करें कंडीशन सबके पास है, समझ में आ रहा है, कभी आपने दीदी बात को देखा है स्नेक को, सांप को देखा है बोलते हुए, कभी नहीं देखा होगा, हाँ कह रही दीदी बात कर नहीं देखा होगा, छिपकली को देखा बोलते हुए नहीं देखा गुड़े बात कर, जिनके अंदर दीदी बात कर नहीं देखा उसको मतलब उनके अंदर वोकल कॉर्ड नहीं है, और दीदी बात कर मैडम को टर टर करते हुए देखा होगा, मतलब वोकल कॉर्ड है, और एक वोकल कॉर्ड केवल किसके अंदर मिलता है बेटा बात करें, मेल गुड़े बात करके अंदर मिलता है, फीमेल के अंदर नहीं मिलता, जो मेल बेटा बात करें मेढक होता है जिसको मेढक बोलते हैं उसके अंदर वोकल कॉर्ड मिलता है, तो टर टर की आवाज जो दीदी करता है वो मेल करता है ना कि फीमेल, फीमेल के अंदर वोकल कॉर्ड है ही नहीं, तो वो टर टर की आवाज, अच्छा वो मेल जो टर टर कर रहा है वो काय के लिए कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है दीदी बात करें ताकि फीमेल को अट्रैक्ट कर पाए, समझ पा रहे हो, मीटिंग के लिए कि आओ मीटिंग करना दीदी बात करें बच्चे पैदा करना, यही तो उनका गोल्डन टाइम है, अगर समय उन्होंने दीदी बच्चे पैदा नहीं किया तो बेटा बात करें उनके बच्चे पैदा नहीं हो पाएंगे उस बुढ़े दुनिया से, उनकी स्पीसी मिट जाएगी नहीं मिट जाएगी, तो वही गुड़े बात करें उनके लिए फेवरेबल कंडीशन है, तो बेटा बात करें मीटिंग के लिए अपने पार्टनर को फीमेल को बुलाता है मेल के अंदर, और दूसरे गुड़े बात करें मेल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि आगे वाले जो गुड़े बात के पैर होते हैं उनमें गुड़े बात करें एक उंगली उनकी बड़ी होती है, समझ पा रहे, जिसको गुड़े बोलते हैं क्लेस्पर, क्या बोलते हैं मैडम, फीमेल में दीदी बात करें क्लेस्पर नहीं देखने को मिलता है, तो जो उनका क्लेस्पर होता है वो स्यूडो पेनिस की तरह काम करता है, जैसे गुड़े बात करें हमारी समाज में जो गुड़े मेल होते हैं उनके अंदर पेनिस होता है, क्यों होता है, हिंदी में सेशन बोलते हैं जिसका काम गैमेट ट्रांसफर है, तो रियल में गुड़े बात करें ऐसा उनके अंदर पेनिस होता नहीं है, पर गुड़े बात करें फीमेल को पकड़ने के लिए और गुड़े बात करें उसके अंदर प्रेशर डालने के लिए ताकि उसको ये फील हो गुड़े बात करें कि हाँ हम मीटिंग कर रहे हैं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो उनके अंदर दीदी बात करें जो आगे वाला बेटू बात करें फोर लिंब होता है, इसमें बेटू बात करें जो बड़ी मतलब फर्स्ट फिंगर है वो लार्ज होती है साइज में,
जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात कर, स्यूडो पेनिस क्या बोलते हैं। अगर आपको मेल और फीमेल पहचानना है तो आराम से दिख जाए उंगली बात कर, अगर आगे वाले पैर में एक उंगली लंबी दिख जाए मतलब ये क्या है बेटा बात कर, ये मेल है दीदी बात कर, अगर बराबर उंगली दिखनी मतलब वो फीमेल है, अगर बेटा ये आवाज कर रहा है तो ये गुड़ी बात कर मेल है, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब इसको कहाँ पढ़ेंगे अपन, इसको दीदी बात कर अपन जब फ्रॉक पढ़ाएंगे इतनी पढ़ेंगे तब बेटा इसको लेकर के आएंगे, पर यहाँ पर दीदी बोल रहा है इसलिए आपको बता रहे कि जो भी गुड़ी बात कर साउंड क्रिएट कर रहा है, मैं जब भी दीदी बोलता हूँ तो उस समय में एक्सपायरेशन करना होता हूँ, जब मैं दीदी बात कर बोलते बोलते थक जाता हूँ तो मुझे सांस लेनी पड़ती है, या तो तुम सांस ऐसे छोड़ते हो सांस लेते हो, लेकिन जब मैं बोल रहा होता हूँ उसका उस समय मैं सांस छोड़ रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली, जब मैं दीदी बोलते बोलते आपने देखा इंसान लंबे समय तो बोलते बोलते उसकी सांस धीरे धीरे खत्म हो जाती है, मतलब उसको जितनी सांस है वो निकलती है उसमें साउंड बोलते समय, मतलब गुड़े बात करें जब हम साउंड क्रिएट करते वो भी क्या है एक्सहेलेशन है, वो भी क्या है बेटा बात करें निःश्वसन है, क्या गुलू बात करें अंतःश्वसन की निःश्वसन निःश्वसन दीदी बात करें एक्सहेलेशन, हाँ कि ना एक्सपायरेशन, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा मैडम। तो जब आप सांस लेते दीदी बात को उस समय कोई साउंड नहीं आता है, लेकिन जब आप बेटा बात कर शब्द बोलते हो बुरे बात के एक्सपायरेशन करते हो तो साउंड आता है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई शब्द नहीं आ रहा साउंड आ रहा है, समझ में आ रहा है। साउंड जब आप बाहर निकालते हो तो साउंड क्रिएट होता है, चाहे आप सीटी बजा के देख लो और चाहे दीदी बात करें कि इसको इनको वाइब्रेट करके देख लो, तो ये बेटू बात करें यहाँ से दीदी बात करें होता है, मैंने जस्ट बगल से बनाया है, कहाँ से बनाया है जस्ट बगल से बुरे बात में, समझ में आ रही नहीं आ रहा है। तो बुरे बात के जैसे यहाँ से साउंड निकलता है ना बेटू, मुझे यहाँ बनाना चाहिए था, इतना समझ में आ रही नहीं आ रहा, पर ऊपर बेटे को कवर हो जाता है, इसके जस्ट दीदी ऊपर होते हैं, तो जैसे बेटा साउंड बाहर आता है वैसे दीदी इनके अंदर वाइब्रेशन होता है, क्या होता है उसको देखा दीदी बात कर दो, वो तुमने वो तंबूरा बजाने वाला बजाने वाला दीदी याद है उसकी कितनी प्यारी साउंड आती है, वो एक गिटार लेकर उसके तार को छेड़ता है नीचे तक खींचता फिर छोटा टर टर उसमें क्या प्यारी साउंड निकलती है, मतलब बुढ़े बात की जब इन वायर को आप छेड़ते हो इन पे बुढ़े प्रेशर लगाते हो तो साउंड क्रिएट होती है, साउंड क्या होगी क्रिएट होगी नहीं होगी, साउंड किसकी वजह से आ रही है वोकल कॉर्ड में दीदी स्ट्रेचिंग की वजह से, अभी मैंने इलास्टिक को लिया था और खींच के नहीं छोड़ा था तो कैसी आवाज आई थी, मतलब साउंड किसकी वजह से आ रही बेटा बात करें वोकल कॉर्ड, तो वो वोकल कॉर्ड की बात करें जो स्ट्रेचिंग की वजह से साउंड क्रिएट करते हैं उनको अपन बोलते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड, क्या बोलते हैं बेटा बात करें, तो ऐसे कितने वोकल कॉर्ड है आपके पास दीदी बात करें, दो जोड़ी बोलो या चार बोलो बेटा बात करें, क्लियर है। तो बुरी बात करिए जो अंदर के दिख रहे हैं आपको क्या दिख रहे हैं बेटा बात करें, ये जो बुरी बात करें ब्लैक कलर की इनको अपन क्या बोलेंगे बेटी बात करें ट्रू वोकल कॉर्ड, क्या बोलेंगे बेटी बात करें ट्रू बुरी बात करें वोकल कॉर्ड, सप्त स्वर तंतु क्या बोलते हैं बुढ़िया ट्रू वोकल कॉर्ड, कॉर्ड मतलब रस्सी जैसा स्ट्रक्चर, पूरे बात करें क्लियर है। और इनका काम बेटा बात करें क्या होता है, इनका फंक्शन तो फोनेशन, क्या होता है बेटा बात करें फोनेशन, फोनेशन बोला है साउंड प्रोडक्शन, फॉर्मेशन ही बोला है फोनेशन, फोनेशन का मतलब क्या होता है साउंड प्रोडक्शन, क्या होता है बेटा साउंड प्रोडक्शन हो जाएगा तो उसमें नहीं हो पाएगा, ये बोलो बात करके इनका फंक्शन होता है ट्रू वोकल कॉर्ड का। और ये कितने होते हैं वन पेयर, कितने होते हैं बेटू बात करें वन पेयर, मतलब यदि एक जोड़ी, दूसरा बोलो बात करें कौन सा बेटा दूसरा है बोलो बात करें हमारे पास फर्स्ट वोकल कॉर्ड जो कौन से ये वाले, क्या देख रहे हैं आपको ये सेकंड टाइप में जो देख रहे थे दीवार उनको अपन क्या बोलेंगे फॉल्स वोकल कॉर्ड, क्या बोलोगे दोस्त फॉल्स वोकल कॉर्ड, अरे ना बेटा ये भी बोल कितने हैं वन पेयर, हाँ कि ना। और इनका गुरु बात का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है दीदी बात कर, इनका फंक्शन दीदी बात कर प्रोवाइड मॉइस्चर टू ट्रू वोकल कॉर्ड, याद रखें कि नहीं रहेगा, इनका फंक्शन क्या होता है बेटा बात करें किसको मॉइस्चर देने दीदी बात करें अरे नहीं यार फंक्शन मॉइस्चर दो जोड़ी होगी, दूसरी बेटा बात कर बनाए कहां पर है किन के बीच में प्रेजेंट होते बेटा बात करिए, जो दोनों जोड़ी बुरी बात करें वोकल कॉर्ड में बात करिए एरिथ्रॉइड और बोलो थायराइड के बीच में लगे होते हैं, किसके बीच में लगे होते हैं एरिथ्रॉइड और थायराइड के बीच में, इतना समझ में आ रहा है क्लियर दोस्त। तो बुरी बात करें कोई आपसे पूछे वोकल कॉर्ड कहां प्रेजेंट होते बेटा बात करें दोनों की दोनों, इसका मतलब लिखा है दोनों को लेना बेटा बात करें ट्रू वोकल कॉर्ड एंड फर्स्ट वोकल कॉर्ड बेटा बात करें प्रेजेंट बिटवीन प्रेजेंट बिटवीन बुरी बात करके क्या जल्दी बोलो थायराइड एंड एरिथ्रॉइड का एक डिश, कहाँ लिखा था
एरिथमेटिक कार्डिज जी इतना समझ में आ रहा है क्या? तो थायराइड बेटा एरिथमेटिक कार्डिज के बीच में गुरु बात क्या बने होते हैं, इसके ऊपर अपन ने क्या बोला ग्लॉटिस, क्या बोला दोस्त? और ग्लॉटिस की दीदी कवरिंग कौन करेगा? ग्लॉटिस कवरिंग करेगा दीदी इसी ग्लॉटिस, क्या करेगा? देखना बेटा क्यों देखना बोलो, ये पूरे बात कर क्या बना दिया अपने बेटा, बात करें ये भी ग्लॉटस, क्या बोलो बात करें इपी ग्लॉटस, समझ पा रहे? तो ग्लॉटस की दी कवरिंग क्या कहलाएगी बेटा, बात करें इपी ग्लॉटस। और लैरिंग्स कहां मिला था गुरु अपन ने, कहां पढ़ रहे थे बेटा? ये इन ह्यूमन, ये पूरे बात कर, ये होता बेटा पूरे का पूरा लैरिंग्स, क्या होता पूरी बात कर लैरिंग्स। देखो पूरे एक बार फिर से देखो इसको, क्या पढ़ रहा है बेटू बात करें साउंड बॉक्स, नाम क्या है इसका गुरु बात करें लैरिंग्स, कहां मिलेगा बेटू बात करें दीदी बात करें मेमस में, लेकिन हम गुरु बात करें कहां पढ़ रहे बेटा बात करें ह्यूमन में, ये सारे के सारे मेमस में मिलता है गुरु बात करें, क्लियर है? दूसरा आपने क्या देखा बेटू बात करें सब इसमें कितने टाइप की कार्टिलेज की बात करें चार टाइप की, पहली पूरे बात करें जो आपको सी टाइप की दिख रही है सी शेप की, जो कैसी बेटू बात करें प्रेजेंट होती है, एक तो पूरे बेंट्रली और लेटरली, बेंट्रली दीदी ब्रॉड है लेटरली नैरो है, इसको बोले क्या बोले बेटू थायरॉइड कार्टिलेज, ये हाइलैंड कार्टिलेज होता है सी शेप की होती है, वेंट्रली ब्रॉड है लेटरली दीदी बात करें नैरो है, सेकंड होती है क्रिकॉइड कार्टिलेज, पूरे बात ये भी हाइलैंड कार्टिलेज है, तो पूरे बात एक रिंग शेप की होती है, सिग्नेट रिंग शेप मतलब होता है शादी में पहनाने वाला छल्ला, दीदी बात करें देख लिया आपको सेकंड नंबर की बेटा, ये पूरे बात करें कौन सी लिखी आपको क्रिकॉइड, क्रिकॉइड से पूरे बात की जुड़ी हुई कौन सी होती है बात करें एरिथमॉइड, कैसी होती है पिरामिडल शेप पूरे बात करें, और ये भी हाइलैंड कार्टिलेज है, आ रहा क्लियर दोस्तों? बुरे बात करें इसकी बुरे बात करें मतलब एरिथमॉइड कार्टिलेज के टॉप पर बुरे बात करें आपने देखा बॉल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बुरे बात करें गोलाकार कार्टिलेज मिलती है जिनको हम बोलते हैं कार्टिलेज ऑफ सेंट्रोरिनी, और ये दीदी होती है इलास्टिक कार्टिलेज, क्या होती है बेटी बात करें इलास्टिक कार्टिलेज। तो ऐसे कितने टाइप की कार्टिलेज मिली बेटा बात करें चार टाइप की मिली, बुरे बात करें आगे मुझे मुझसे थायराइड कार्टिलेज कितनी होती है नंबर में वन होती है, संख्या में कितनी होती है नंबर में दीदी बात करें एक होती है, अच्छा क्रिकॉइड कितनी होती है नंबर में दीदी बात करें एक ही बनाई, पर भी अपने एरिथमॉइड कितनी बनाई नंबर में पूरे बात करें दो बनाई, कितनी बनाई बेटू बात करें एक जोड़ी बोलो या बेटा दो बोलो, कार्टिलेज ऑफ सेंट्रोरिनी भी कितनी बनाई नंबर में पूरे बात करें टू बोलो या वन पेयर बोलो, आ रहे नहीं आ रहे? दूसरा बोलो बोला यहाँ पर कहाँ पे एरिथमॉइड, और दीदी बात करें हमारे पास कहाँ पे थायराइड के बीच में क्या पाया जाता है बेटा बात करें वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड बोलो जो अंदर की तरफ होते हैं उनको क्या बोलते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड, और इनका फंक्शन होता है साउंड प्रोडक्शन, साउंड प्रोडक्शन को अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें फोनेशन, क्या बोलते हैं फोनेशन। स्वर को दीदी बात करें मतलब किसको पैदा करने की बात करें साउंड को, साउंड मतलब ध्वनि को पैदा करने का काम किनका है इनका, ध्वनि दीदी पैदा कब होती है सांस लेते समय की कुछ बोलते समय, समझ में आया यार दीदी बात कर, जब हम साउंड बाहर क्रिएट करते पूरे बात करें तो बेटा ट्रू वोकल कॉर्ड में स्ट्रेचिंग आती है जिसके वजह से साउंड क्या होता है पैदा होता है, और इनकी दीदी बात करें प्रोडक्शन के लिए मॉइस्चर के लिए कौन होता है बेटा फॉल्स वोकल कॉर्ड होता है, जो पूरे बात करें एक जोड़ी होती है ये क्या करते हैं उनको मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्शन करते हैं, ऐसे गोलो बात करें हमारे पास दो जोड़ी वोकल कॉर्ड होते हैं जो कहां प्रेजेंट होते हैं फूड ना पहुंच पाए खाना ना पहुंच पाए खाना खाते समय, तो इसके ऊपर बेटा बात करें हमारे पास एक कवरिंग होती है कार्टिलेज की बनी हुई जिसका नाम क्या है एपिग्लॉटस, एपिग्लॉटस बोलो ऊपर है इसलिए बोलता है ईपी, किसके लिए लगाते हैं बेटा जो ऊपर होता है, अगर कोई नीचे होता तो लगाते हाई को, क्या लगाते बेटा बात करें हाई को, तो एपिग्लॉटस अपने आप में बोलो क्या है इलास्टिक कार्टिलेज, क्या है बेटा बात करें इलास्टिक कार्टिलेज, ये बेटा दिन में क्वेश्चन आता है ना इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज आ रही थी बेटा बात करें, आपने दी देखा साउंड बॉक्स हमारे अंदर क्या लगता है लैरिंक्स, और पक्षियों में जिसको अपन क्या बोलते हैं साउंड बॉक्स या दी सायरिंग्स, आ रही थी यार ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हो गया क्लियर पक्का, नोट करो दीदी बात करें फटाफट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऊपर का दिख रहा है नहीं दिख रहा है,